देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। खबर बंडा से है, जहां भवन हुआ क्षतिग्रस्त, नहीं हुआ जीर्णोद्धार। क्या बच्चे खुले आसमान के नीचे करेंगे शिक्षा अध्ययन? एक तरफ शासन प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूलों की हालत क्या है यह जानने की जरूरत नहीं समझते। अगर शासन ग्राम मौनपुर के भवन को देख ले तो सारी बात सामने आ जाएगी और घोषणाओं एवं कार्यों का दावा करने की कलई खुद ही खुल जाएगी। बंडा से करीब 4 किलोमीटर दूर ग्राम मौनपुर में शासकीय प्राथमिक शाला है, जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त होकर कभी भी गिर सकती थी। ऐसे समय में यहां पदस्थ शिक्षकों ने छप्पर की टूट चुकी कैची सड़क चुकी अन्य बलिया सुरक्षित रखवा कर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे दी थी। तब जाकर BRC अधिकारी ने विधिवत जिला शिक्षा केंद्र को पत्र लिखकर स्कूल भवन के जीर्णोद्धार के लिए लिखा था। अब चिंता इस बात की है कि 1 अप्रैल से प्राथमिक स्तर की कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। ऐसे में बिना भवन के बच्चों को कहां बिठाया जाएगा? शिक्षक सुनील मिश्रा का कहना है कि करीब 6 माह पूर्व से यह संस्था का भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है। माह जुलाई में क्षतिग्रस्त भवन का जीर्णोद्धार कराने अथवा नया भवन बनाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन करीब 1 वर्ष होने को है, लेकिन अभी तक ना तो भवन का जीर्णोद्धार हुआ न ही नवीन भवन स्वीकृत हुआ है। पानी की व्यवस्था है, खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो तुम? नरेश लोधी। मकान में? तो तेज बोलो, क्या नाम है? रोहिणी लोधी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? चौथी। आप जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसमें क्या समस्या आ रही है आपके लिए? क्योंकि हमारा विद्यालय टूट चुका है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है और खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। अभी आप कहाँ पढ़ाई कर रही हैं? एक जगह पे। किसका मकान है बता दो? लक्ष्मी का। मैं एकमात्र कमरा जो हमारे विद्यालय का था उसका छप्पर खराब होके गिर गया और बच्चों को बैठने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अभी वर्तमान में मोहल्ला क्लास के लिए तो नरेश लोधी जी के मकान में व्यवस्था है, किंतु 1 अप्रैल से जब नए सत्र में विद्यालय खुलना है तो उसके लिए हमारे बच्चों को बैठने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ना इस गांव में कोई शासकीय भवन है, ना अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारे यहाँ है। जैसे ही हमारा भवन क्षतिग्रस्त हुआ था, मैंने व्यक्तिगत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क भी किया, पत्राचार भी किया और आश्वासन मिलते रहे हैं कि शीघ्र ही या तो उसकी छत बनवा दी जाएगी या नया भवन दे दिया जाएगा, किंतु आज दिनांक तक ना तो दूसरा भवन स्वीकृत हुआ है, ना इसकी मेजर मरम्मत का कोई प्रस्ताव मिला है। आपने आवेदन कितने पहले दिन दिया था? मैंने जुलाई में BRC महोदय के यहाँ। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या आगे कदम रहेगा आप? अब 1 जुलाई से अभी तो ठीक है, हमारे 1 अप्रैल से जो अपना खुला है नया सत्र, तो नए सत्र में बैठने के लिए कोई व्यवस्था हमारे विद्यालय में नहीं है। मोहल्ला क्लास तो अभी चल रही थी, ठीक है, निजी मकान था। उपेंत्री के निरीक्षण 20 नवंबर को कराया गया था उपेंत्री द्वारा, जिसमें उसका छप्पर, एक कैंची टूटी हुई थी जिसका छप्पर निकलवा के बाहर रखवा दिया गया है और उसकी स्लैब की व्यवस्था के लिए माननीय DPC महोदय के लिए पत्र लिखा गया है 9/12 और इसको हमने वार्षिक कार्य योजना में जो अभी अप्रैल में स्वीकृत हो जाएगा उसमें भी इसको लिया गया है। हो सकता है नई वार्षिक कार्य योजना में भी स्वीकृत हो जाए या उसकी मरम्मत की राशि स्वीकृत हो जाएगी।